अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज की वीडियो बहुत मज़े वाली होने वाली है। तो अजी आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो जी चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे ना कुछ रोटियाँ बन चुकी थी और कुछ जो है ना बन रही हैं अभी। मैं और अम्मी दोनों मिलकर ना नाश्ता बना रहे थे। तो बस इसी तरह से ना आदत पड़ गई है अम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनाने की। तो कभी अकेले बनाया नहीं है। तो बस जो है ना आधे काम मैंने कर लेने होते हैं और आधे अम्मी ने कर लेने होते हैं। तो बस इसी तरह से मिलजुल के ना तो हो जाते हैं जी काम। तो अभी जो है ना ये वाला पराठा बन रहा है, ये मेरे ख्याल से लास्ट पराठा होगा। तो इसीलिए अम्मी ने इस तरह का बना दिया, वरना तो बाबा जो है ना वो गोल ही खाते हैं, उनको वही पसंद है। तो ये भी बड़ा वैसे क्रिस्पी इतना मज़े का बनता है ना। तो बस जो है ना ये लास्ट ही था। तो जी नाश्ता वगैरह हमारा बन चुका था और हमने कर भी लिया था। तो नाश्ता करने के बाद फिर एज़ यूजुअल जैसे कि घर के काम करने होते हैं तो फिर उसी से स्टार्ट होता है हमारा दिन। तो बस ये जो कपड़े धुले हुए पड़े थे ना, तो हमने सोचा कि इनको प्रेस कर लेते हैं। इस दफ़ा ना हमारे कपड़े थोड़े से लेट हो गए थे क्योंकि जिस दिन धोए थे उससे अगले दिन हमारी लाइट ऑफ हो गई थी, सारा दिन लाइट ऑफ रही। तो फिर रात में तो इतना दिल नहीं करता, तो इस वजह से ना हमारा एक दो दिन का गैप आ गया था इसमें कपड़ों में इस बार। तो फिर उसके बाद अब्बू गए हुए थे तो वो आ गए, तो उनके आने तक जितना काम हो सका था हमने कर लिया। कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो बस वो प्रेस करते करते ना तो उतने में जी आ गए थे अब्बू। और अब्बू लेकर आए थे मेरे लिए कुछ, क्योंकि मैंने ये मंगवाया था, स्टैंड मंगवाया था मैंने अपने लिए। मैंने कहा वीडियो शूट करनी होती है तो चलो ना होना चाहिए, तो बस इसीलिए मैंने मंगवा लिया। तो अभी जो है ना मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी कि ये स्टैंड की ना, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया। मैंने कहा नहीं, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाया। तो ये बेसिकली हमारा जो अपना बाज़ार है ना वहीं से मंगवाया मैंने। तो मैं तो जो है ना ऑनलाइन का सोच भी नहीं सकती क्योंकि मेरे बाबा नहीं करने देते ऑनलाइन शॉपिंग। एक दो दफ़ा किया तो उसमें ना अच्छी चीज़ नहीं मिली, तो फिर फ़ायदा नहीं होता ना। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं ना मिलती तो फिर दिल नहीं करता उस तरह की शॉपिंग करने का। तो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए ना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बंदा देख के ले ले, थोड़ी महंगी ले ले। लेकिन महंगी भी नहीं मिली थी, अच्छी मिल गई थी, अच्छी प्राइस में मिल गया था और अपने ही बाज़ार से मिल गया था। तो हम जो है ना इस साइड पे हैं, गुजरात वाली साइड, लाला मूसा वाली साइड पे, तो वहाँ से लाला मूसा सिटी से ये मिला था। तो बड़ा ज़बरदस्त प्राइस भी इसकी अच्छी थी और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना हो गया था। और यहाँ पे भी अब्बू जो है ना मुझे सिखा रहे थे, क्योंकि बाद में कहते हैं तुमने ही शूटिंग वगैरह करनी होती है और तुमने ही सेटिंग करनी है, मैं तो नहीं हर बार करके दूँगा ना। तो मैंने कहा चले आप मुझे ना एक दफ़ा सिस्टम सारे बता दें इसके, तो उसके बाद फिर मैं कर लिया करूँगी। तो काफ़ी अच्छा था वैसे, स्मूथ है। तो जी बोला जा सकता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो जो लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हैं चीज़ें वो भी कर सकते हैं, वैसे कोई इतना मसला नहीं है कि अच्छी भी निकल आती हैं चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार गलत ही निकले। तो बस जो है ना अपने अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो बस जो है जब किस्मत अच्छी हो तो फिर चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, चाहे ऑनलाइन हो या वैसे। और कभी कभार तो वैसे भी अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वो भी आपको गलत मिल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस जो है ना आप देखभाल के कर लिया करें। तो ये मैंने वैसे मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, मैंने लाला मूसा सिटी से लिया था, मेरे बाबा लेकर आए थे। तो फिर अभी यहाँ पे जो कपड़े जो है ना वो तो प्रेस हो चुके थे हमारे, वो काम ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे अभी मैं जो है ना किचन की सफाई करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं बर्तन धोती हूँ, क्योंकि जब बर्तन पड़े हुए होते हैं ना तो तब बड़ी उलझन आती है, कोई और काम होता नहीं है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, तो उसके बाद जो है ना फिर कोई और काम करूँगी। तो यहाँ पर जिस धुल चुके हैं मेरे बर्तन, थोड़े से सिर्फ नाश्ते के बर्तन थे तो उतने में बस धो के तो काम ख़त्म। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो चूल्हा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े ज़्यादा जो है ना अम्मी ने प्रेस किए थे। तो मैंने कहा आप रेस्ट करें, वैसे भी मैं स्टैंड चेक कर रही थी। तो मैंने कहा आपकी जो है ना सहूलत हो गई, फ़ायदा हो गया आपको, तो आप जो है ना अभी रेस्ट कर लें क्योंकि आपने कपड़े प्रेस किए हैं। तो कपड़े मैं जो प्रेस करती नहीं हूँ, अगर बस करूँ भी ना तो सिर्फ अपने या अम्मी के कर लेती हूँ, बाबा के मुझसे प्रेस नहीं होते, उनको चाहिए होते हैं बड़े टफ सी प्रेसिंग, तो वो बस अम्मी कर सकती हैं। तो इस वजह से फिर वो मुझे कहती हैं कि तुम अपने बस और मेरे कर लिया करो, तो जो है ना तुम्हारे बाबा के मैं करूँगी। और ज़्यादा टाइम भी उन्हीं में लगता है, तो
तो लेकिन बहरहाल मैं तो करती नहीं हूँ, बस वही कर लेती हूँ। और आज मैंने कहा चले मैं चूल्हे की ज़रा सफाई वगैरह कर देती हूँ, तो ये काम भी ज़्यादातर अम्मी का ही होता है। तो बस जो है ना, जब जैसा दिल करे अम्मी का वो कर लेती हैं, और फिर बाद में जब मेरा दिल करे तो मैंने जब करनी होती है ना किचन की सफाई, मैं अच्छी तरह से ज़रा डीप क्लीनिंग वाली करती हूँ। और अभी मुझे नज़र आ रही थी ना कि ये दीवार भी जो है ना सही नहीं है, तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। अम्मी कहती है मैंने तो कभी इसके तो ऊपर गौर ही नहीं किया, मैं तो नहीं करती, जब भी करती हूँ मैं ही करती हूँ। तो चूल्हा वगैरह अम्मी साफ़ कर लेती हैं, सलफ भी साफ़ कर देती हैं, लेकिन इस तरह के काम जो है ना वो नहीं करती। तो वो फिर जो है ना इस जो डीप क्लीनिंग वाले काम होते हैं वो मैंने खुद ही करने होते हैं। तो फिर उसके बाद फाइनली मेरा ये काम तो हो गया था ख़त्म। तो मैंने कहा कि चलो अभी जो है ना ये जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, इनको अगर रोज़ धो लिया जाए ना तो ये बड़े सही रहते हैं। तो कुछ लोगों के मैंने देखे हैं ऐसे चिपचिपके से होते हैं, तो वो जो रोज़ धोते नहीं है ना उस वजह से हो जाते हैं। और याद रहे कि ये जो मैंने सूफ़ वगैरह ये जो किया है ना स्पंज यूज़, तो ये हमने एक अलग रखा हुआ है चूल्हे वगैरह के लिए, और जो दीवार के ऊपर लगा हुआ है ना मार्बल उसके लिए अलग है, और बर्तनों के लिए अलग है। ये ना समझिएगा कि उसी से मैं बर्तन धो रही हूँ और उसी से मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया है, तो ऐसी बात नहीं है। तो मैंने अलग अलग करके किया हुआ है। तो जी फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत माल लेकर आए थे ना बाबा, तो कह रहे थे कि चलो उसकी पैकिंग कर लेते हैं, देना तो मैंने जोहर के बाद है, तो चलो ना पैकिंग कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलें जी हम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ही था तो बस ये तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और ज़्यादा मेरे ख्याल से दाल मूँग ही है, तो ये बस दाल मूँग ये बहुत मज़े की दाल होती है वैसे, अगर किसी ने खाई है तो आपने बताना ज़रूर है। तो ये तो कुछ नीमको पैक करके रखी हुई थी, कुछ बड़ी है और कुछ छोटी है, तो बस जो है ना साथ में दाल मूँग है। तो इतना कोई ख़ास माल था नहीं, तो इस वजह से हमने कहा कि चलो हम ना जल्दी इसको रेडी कर देते हैं, जब भी फिर बाबा लेकर जाएंगे तो जब उनका दिल होगा तो फिर ले जाएंगे। तो बस जो है ना वो माल की पैकिंग करके हमने रख दी थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं ये दाल बनाने लगी हूँ। शाम का टाइम हो गया था तकरीबन, हांडी बनाने का जो टाइम होता है ना वो हो चुका था। तो उसके बाद ये सारा कुछ तैयार करके अम्मी ने रखा हुआ था, मिर्चें वगैरह टमाटर हर चीज़। आज अम्मी ने मसाला बनाया था, तो मैं शायद बाहर कुछ काम लगी हुई थी या शायद मेरा कोई मोबाइल का काम होगा, तो इस वजह से ना फिर अम्मी ने सारा कुछ तैयार कर दिया था। फिर मुझे कह रही थी कि तुम बना लो, तो मैंने कहा चलें जी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना बस दाल आज कुछ इस तरह से ना दिल नहीं था, थोड़ा लेट ही हमने खाना बनाया है, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाएं क्या बनाएं। फिर अम्मी कहती है चलो ऐसे करो कि तुम दाल ही बना लो, तो ये वाली दाल बड़ी मज़े की होती है। तो मैंने कहा चलें जी इसको बनाना कौन सा मुश्किल है, इसमें सारा कुछ आपने डाल देना तो बस अल्लाह तो खैर सलाह और पक जाएगी। और मज़े की बात है इस दाल को सिर्फ 7 मिनट लगते हैं, और 7 मिनट में ये इतनी अच्छी गल जाती है, इतनी अच्छी पक जाती है। और इसको तड़का लगा के हमने कभी नहीं बनाया, तो सारा कुछ बीच में इसमें डाल देते हैं तो इतनी ज़बरदस्त बन जाती है, जायका इतना अच्छा आता है इसका। तो बाद में जो है ना कुछ होती है, कुछ दालें होती हैं जिनको तड़का लगाया जाता है, लेकिन इसको हमने कभी नहीं लगाया। तो फिर उसके बाद मैं और अम्मी रोटियां बना रही थी, अम्मी बनाई जा रही थी और मैं पकाई जा रही थी। और ऐसा होता है जब मैंने वीडियो बनानी होती है ना तब मेरी रोटी कभी नहीं फूली, और जब वीडियो बंद कर देती हूँ तो रोटी इतना फूल के गुब्बारा हो जाती है, पता नहीं इसको क्या है। तो फिर उसके बाद जो है ना हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो पता नहीं मैंने तो उस टाइम मैंने व्लॉग नहीं किया था रिकॉर्ड, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी जो है ना फिर शाम के टाइम पे रात के टाइम पे बल्कि ना नमाज़ के बाद अब्बू बोल रहे थे कि चाय बना लो अब, तो मैंने कहा चलें जी चाय बना लेते हैं। और इस बार हमारे ये बिस्किट आए, तो बस इसी के साथ हो जाता है व्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।